जिनका नाम हम लेंगे वही मंच पर रहेंगे और बाकी लोग स्वयं खाली कर देंगे, संत लोग हमारे बैठे रहेंगे, बाकी लोग कोई मंच पर हमारे जो विद्वान गण हैं वो मंच पर रहेंगे, बाकी सामान्य लोग अपनी जगह बैठ के उस कथा सुने। अब हमारे बीच में श्री महंत राकेश दास जी चकाडोरी धाम श्री झांसी जिला से पधारे पूज्य श्री महंत जी महाराज जी को माल्यार्पण करने जा रहे हैं। श्री पद्मेश पद्माकर जी वो भी महाराज जी को, हमारे श्री रामजीत सिंह जी, माननीय हमारे आयोजक हमारे श्री माननीय नागेश्वर दुबे जी, हमारे श्री महाराज जी वैदिक जी वो ही माल्या अर्पण करने जा रहे हैं, हमारे योगेश्वर योगीराज जीतानंद जी महाराज श्री महाराज जी को माल्यार्पण करने जा रहे हैं। सामान्य लोग मंच पर नहीं रहेंगे, ये सख्त आदेश मंच का है। मंच की व्यवस्था कर बाबा शिव शंकर दास, माननीय नागेश्वर दुबे जी, आयोजक दुबे जी, प्रबंधक माननीय श्री बाबा शिव शंकर दास। हमारा जो आज का मंच है बड़ा गरिमापूर्ण मंच है, आज सामान्य लोगों का यहाँ उचित नहीं होगा, अपनी ही दृष्टि से समझ लें, क्योंकि आज अयोध्या के संत महंत महामंडलेश्वर पूरा मीडिया परिवार हमारे बीच में चंद्र प्रकाश जी आ रहे हैं, मीडिया परिवार हमारे चावला जी हमारे बीच में आ रहे हैं, ये मीडिया परिवार भी अपनी जगह बैठेगा, और जो संत महंत अमृतमयी वासा भगवान श्री राम का प्रागट्य महोत्सव और श्री मानस जयंती, तो आज भगवान श्री राम का प्रागट्य महोत्सव इसी मंच से पूरी अयोध्या में और पूरे भारत में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय संत महंत महामंडलेश्वर सारे संत समाज और पूरे भारत के कोने कोने से जो संत पधारे हुए हैं, भक्त लोग आए हुए हैं, पूज्य श्री स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की, पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज की, क्रांतिकारी संत श्री अंतर्राष्ट्रीय संत श्री स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की, तो सुखदेव के स्वरूप में, व्यास के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान गीता ज्ञानेश्वरी के स्वरूप में महाराज जी हमारे हम सबको सात दिवसीय नहीं ये आठ दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हुई, और भगवान के आठ भाई थे, सात भाई और एक बहन, तो ये आठवें दिन स्वयं भगवती पराम्बा जगदम्बा जानकी जी भी आने को तैयार हैं। अभी भगवान का जन्म हुआ है, वैसे अन्य शास्त्रों के आधार पर भगवान श्री राम का जन्म मधुमास में हुआ है, भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ मैथिली का जन्म बैसाख की शुक्ल पक्ष की नौमी को जन्म हुआ है, लेकिन अगर मानस के सिद्धांत से पूछा जाए तो एक ही दिन जन्म हुआ है। दंसपल साहब
एक ही दिन जन्म दोनों का हुआ है, उसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ है। हाँ नागेश्वर बाबू कह रहे हैं कि एक घंटा बोले आप, इसलिए हम ज्यादा बोलेंगे। आप हमको शिखावन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं अधिक नहीं बोलूंगा, आप घबराएं नहीं। आप मंच पर आध घंटे के बाद आए हुए हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमको संबोधन करना पड़ता है, आप घबराएं नहीं गुरु जी को। हाँ कपिए मत, घबराइए नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जीवन में, अपने जीवन में बस एक बात बता के, और हमारे आरती के जो आज मुख्य यजमान हैं वो मंच पर आए, और हमारे अच्छा आज आरती सबसे बाद में होगी। हमारे माननीय आयोजक नागेश्वर दुबे जी महाराज गुरु जी के प्रिय शिष्य हैं, बहुत घबराते हैं, गुरु जी के चरणों में इनका बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है, पूरा परिवार तन मन धन से गुरु की सेवा में लगा हुआ है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को सब कुछ दे, और शिष्य को चाहिए कि गुरु जी को सब कुछ दे। गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बस अब हमारे हाँ कोई सुनिए, घबराइए नहीं, हमारे महाराज जी बहुत गंभीर हैं, हमारे महाराज जी सागर हैं, सागर में लहरें तो आती हैं लेकिन किसी को डुबाती नहीं है, है ना। सागर में तूफान आता है लेकिन तूफान कुछ कर सकता है, लेकिन सागर सबको ठंडक पहुंचाता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भगवान राम भगवती सीता का जन्म एक ही दिन हुआ है, आज का प्रवचन भागवत का कम और रामचरितमानस का ज्यादा पूज्य श्री महाराज जी की अमृतमयी वाणी से हम लोग श्रवण करेंगे। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। तो जब एक महीने का दिन हो गया तो बोलो एक ही दिन हुआ जन्म कि नहीं हुआ। हाँ अंतर इतना है कि पहले भगवान श्री राम आए और बाद में भगवती पराम्बा, लेकिन 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 क्या है, लेकिन लेकिन यह है कि राम का नाम सब कोई पीछे पूज्य महाराज जी ने इतने विधि विधान से, इतने भावपूर्ण और इतनी विद्वत्ता पूर्ण उस शब्द को व्याख्या की थी कि ऐसी व्याख्या संभवतः आप लोगों ने भी कभी सुनी नहीं होगी। पूज्य महाराज जी ने जो हमको निवेदन किया था कि राम का नाम पीछे क्यों, राधा का नाम आगे क्यों, सीता का नाम आगे क्यों, इसकी व्याख्या पूज्य श्री महाराज जी की अमृतमयी वाणी से, सुधामयी वाणी से हम लोग श्रवण करें। और अब आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें, गेट वाले ध्यान रखें, सीधे लोगों को ले जाएं, पीछे बैठाएं, नहीं तो कोई हल्ला गुल्ला बीच में, क्योंकि आज पूरी अयोध्या गरिमा महिमा है, पूज्य महाराज जी का सम्मान है। आज संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, मंडलेश्वरों के द्वारा, भक्तों के द्वारा पूज्य श्री महाराज का बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होने जा रहा है। ताली एक बार ताली, आपको ताली को कहने पड़ता है, महाराष्ट्रियों को सिखाने नहीं पड़ता है। गुरुजी बैठ जाएं तो जोर से ताली। अब पूज्य महाराज जी के कर कमलों में ये माइक दे रहा हूं, उनको नमन कर रहा हूं, और हमारे बीच में आज के हमारे श्री पद्मेश महंत राकेश दास जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार सरकार से वचन लूंगा कि जिला झांसी में चकारोड़ी धाम पर 8 फुट के हनुमान जी पाताल से प्रकट हुए हैं, वहां के हमारे महंत जी राकेश दास जी, जीतानंद जी योगीश्वर, और हमारे वेदक जी भाई हमारे श्री रामजी सिंह प्रिंसिपल साहब, ये सारे के सारे दीप प्रज्वलित करेंगे, और आप हमारे वेदक जी मंत्र ध्वनि करेंगे। आइए महंत जी महाराज, और हमारे सहयोग में श्री माननीय नागेश्वर बाबू पद्मेश्वर, आइए आइए।
आइए पंडित जी महाराज। हाँ दीप जलाइए, जरा ताली जोर से ध्वनि करिए माननीय वेदक जी। हरे ओम दीपो ज्योतिर्ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरति मे साध्यम, दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। दीप भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद कंद भगवान की जय, जय जय सीताराम। अब ये पूज्य श्री महाराज जी से आज्ञा लेते हुए हम लोग बैठ जाएं, शांति से बैठें और अमृतमयी सुधामयी कथा सुधा में अवगाहन करें, जीवन का अलभ लाभ लें, जीवों के जुगजुगांतरों के कल्प कल्पांतरों के हमारे जो पुण्य हैं उसका फल है भगवत कथा। तब कथा अमृतम तप्त तो जीवनम, ये अमृतमयी कथा श्रवण करें पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। बैठे चंद्र प्रकाश जी, बैठिए। सतगुरु देवता नमः, श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, रघुनाथाय जानकी वल्लभाय नमः, अवधपुर धामेश्वरो गाय नमः, नद्यो नरुग्रा पृथिवी च दृणायेन स्वास्थवितम्, येन न कहयो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। हाथ जोड़ के बैठिए, वंदन नमस्कार कीजिए भगवान को। तुम कण कण में समाये हुए और तुम में जगत समाया है, तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन की आधारा हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो, प्रभु चरणों में स्वीकार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
उनके सभी पितृ देव कुल देव मंच पर विराजमान सभी आदर सम्मान के योग्य संत मंडल उपस्थित सभी बहन और भाइयों सबको वंदन स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और सभी प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। साकेत धाम की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। पूरे अवधपुर धाम में राम जन्म का उत्सव हर घर में, हर दिल में, हर मन में मनाया गया है और अभी तक वही उत्सव चल रहा है। हम सब लोग भगवान के जन्म उत्सव को आनंद से, उत्साह से, अनंत सुख शांति के साथ में ग्रहण करते हैं, मना रहे हैं। आप सभी भक्तों को, श्रोताओं को, संत महंतों को भगवान के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपका अभिनंदन भगवान के जन्मदिन में। आज श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण दिवस आया। आज हम लोग जो शेष कथा हमने आज के लिए छोड़ी उसका श्रवण करेंगे।
और हमेशा की तरह भागवत का जो पुण्य फल है, जो भक्ति फल है, ज्ञान का फल है, वैराग्य का फल है, आज वो हम सब प्रयत्न करेंगे कि आपको प्राप्त होवे। जो लोग हमारे साथ में 10 दिन से हैं, जिन्होंने अपना काम काज घर परिवार सब छोड़ा है, उनको भागवत के साथ में गुरु सेवा और तीर्थ की सेवा का भी फल प्राप्त होगा और ये धाम आपके संपूर्ण काम श्रेष्ठ करेगा। बड़े प्रेम अनुराग के साथ हमने अपने 7 दिन पूरे कर लिए, आज 8वां दिन भी उसी उत्साह के साथ पूरा हो रहा है। नौ दिन की नवरात्रियां होती हैं, हम लोगों को आए हुए आज पूरे 9 दिन हो गए, अयोध्या में हमारी नवरात्रि पूरी हो गई। ज्योतिष में पंडितों के द्वारा दिन घटते बढ़ते रहते हैं, पर हमने तो अपने दिन बराबर रखे, न घटने दिया है और न बढ़ने दिया, क्योंकि भगवान की आशा से हम लोग निकले हैं, तो हमारी आशाएं नियमित पूरी हो रही हैं। और आज वो समय भी आ गया, सब संत महंतों का दर्शन आशीर्वाद होगा, कथा का समापन होगा। आज मानस जयंती भी है, उसका उत्सव भी अब थोड़ी देर में होगा, क्योंकि राम जी पहले आए हैं, मानस बाद में। राम जी का ही चरित्र है, व्यक्ति विशेष का जब अवतार होता है उसके बाद ही उनके चरित्रों का अवतार होता है, फिर इतिहास का अवतार होता है। आज की कथा में हम आपको ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि भगवान श्री द्वारिकाधीश अपना संसार अब विश्राम कर रहे हैं। राम जी का जन्म हुआ है, भले ही कथा कृष्ण जी की है, पर काम अपने अपने दोनों ने पूरे किए हैं। राम जी ने जब काम पूरा किया तो शरीर सरयू को दान कर दिया, और भगवान श्याम सुंदर ने जब अपने संसार के कार्य पूरे किए, लीलाएं विश्रांत की, तो अपना शरीर एक भील को दान कर दिया। बड़ी दोनों में बड़ी ही मरहम की कथा है और बड़ा मतलब है इन कथाओं का। भगवान श्री द्वारिकाधीश अब सोच रहे, भाई संसार छोड़ने का समय आ गया, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, कोई ऐसा प्राणी नजदीक वाला, दूर वाला, रिश्तेदार, अपना पराया, कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसने हमारी भक्ति की हो, सेवा की हो और उसे फल ना मिला हो। संसार त्यागने से पहले, चतुर्भुज रूप में आने से पहले परमात्मा द्वारिकाधीश ध्यान में बैठते हैं और अपने सारे भक्तों का ध्यान करते हैं। जब सारे भक्तों का ध्यान भगवान ने किया तो भगवान श्री द्वारिकाधीश को सब भक्तों का ध्यान आया, पर एक भक्त का ध्यान नहीं आया है। और जिसका ध्यान भगवान नहीं करते हैं वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है।
इसलिए भागवत का मूल सूत्र है कि परमात्मा के इतने लाडले बन जाओ, इतने प्यारे बन जाओ, भगवान के लिए इतने इतने अच्छे बन जाओ कि भगवान तुम्हारा ध्यान करे। बहनों बंधुओं, भाई इसमें से बंद कर दे, उसमें उसमें डाला जाए तो डाल दो, ये बहुत खराब है। भक्त तो हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, और जो जितनी अच्छी प्रकार से भगवान का ध्यान करता है, भगवान उतना ही उसे बसते रहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हर गाड़ी में एक बिल होता है, और उस बिल का संबंध इंजन से भी होता है और वो टायरों से भी होता है जिससे गाड़ी चलती है, टायर घूमते हैं। ट्रक में देख लो, जल्दी से दिख जाता है, इंजन से लेके पीछे के टायरों तक एक बहुत बड़ा गोल लोहे का राउंड वाला एक बील जाता है, और जब गेयर डालते हैं तो वो बील घूमता है। वो जब बील घूमता है तो उससे 3 पट ज्यादा स्पीड में पहिए घूमते हैं, और पहिए घूमते हैं तो गाड़ी चलती है, दौड़ती है, और गाड़ी बहुत स्पीड में जब रोड पर दिखाई पड़ती है तब भी जो बील है वो बहुत कम स्पीड में चलता है। जैसे समझो चक्की में दाना गिरता है तो दाने गिरने की स्पीड कम होती है, पर उस दाने को पीसने की जो स्पीड है चक्की के पार्ट की वो बहुत ज्यादा रहती है। गेहूं के दाने को, बाजरे के दाने को जो पीस कर आटा बनाता है वो पार्ट है, बहुत जोर से घूमता है, अर्थात वो चक्की का स्वामी है। अगर उस पार्ट को निकाल दो तो आप चक्की में कितने भी हॉर्स पावर की मोटर जोड़ दीजिए फिर आटा नहीं बनेगा। पार्ट रहा तो कोई भी मोटर काम करती है जो चक्की को घुमा सके। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि यह संपूर्ण संसार एक चक्की ही है, और ये संसार रूपी चक्की में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट नीचे रहता है जो घूमता नहीं है, जो स्थिर है, और एक पार्ट ऐसा है जो ग्राउंड मारता है। अगर दोनों पार्ट घूमे तो आटा नहीं बनेगा। एक ही पार्ट रहता है खड़ा, और एक पार्ट ऐसा रहता है जिसे ढीला किया जाता है, टाइट किया जाता है। मोटा आटा चाहिए कि पतला आटा चाहिए कि और बारीक चाहिए कि मैदा चाहिए, तो जो स्थिर पार्ट है वो क्या है और जो चंचल पार्ट है वो क्या है। तो चंचल और स्थिर इन दोनों पार्टों को कबीर जी ने अपने शब्दों से दोहराया है। कबीर जी ने कहा, चलती चक्की देखकर गए कबीरा रोए, और ये 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोए। संसार रूपी चक्की है, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो स्थिर रहता है, जो कभी डगमग नहीं होता, किसी के हिलाने से नहीं हिलता, उस पार्ट का नाम है मृत्यु। और जो चंचल है, जो डगमग होता है, उस पार्ट का नाम है जन्म। जन्म और मृत्यु के पार्टों के बीच में ये सारा संसार पिस रहा है, और सब लोग पिस के आटा बन के बाहर जा रहे हैं। महाराज, जीव का अपना स्वरूप बदलता चला जा रहा है। अब देखिए दूसरी बात, जन्म मरण के पार्टों से, जन्म मरण के पार्टों से बचाने का उपाय कबीर जी ने ही निकाला है।
जो पाठ स्थिर है, ठहरा हुआ खड़ा है, उस पाठ के बीच सेंटर में एक लोहे की कील रहती है, खीला, और उस कील के ऊपर ही एक पाठ जोर से घूमता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि जो चक्की के पाठ के बीच में जो कील है, लोहा है, जिस पे दोनों पाठ अपना काम करते हैं, अनाज का दाना अगर उस कील के पास में जाके चुपक जाता है तो फिर पाठ उसे नहीं पीसते और आटा नहीं बनाते हैं, वो दाना बच जाता है। कबीर के बेटे ने कहा, पिताजी कोई तो दाना बचता होगा। चाकी खोल के देखी तो 10-5 दाने जीवित निकल आए। पूछा, भाई ये जीवित कैसे निकले? तो कबीर के पुत्र ने कहा, चलती चक्की देख कर और गए कमाल ठड़ियाए। कबीर के पुत्र का नाम कमाल था। गए कमाल ठड़ियाए और जो कीली से लग रहा उसको काल न खा। जिसने कील को पकड़ लिया है, अर्थात ये संसार रूपी चक्की के दोनों पाटों को चलाने वाला कौन है? वो कील है। कील मतलब परमात्मा है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है उस प्राणी को काल नहीं खाता, उसे दुख नहीं खाता, उसे क्लेश नहीं खाता, वो अल्प आयु नहीं पूर्ण आयु को जीता है और अंत में प्रभु के धाम का निवासी हो जाता है। अब आपको फैसला करना है, चक्की बन के आटा बन के पीस जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी, आटे में जल्दी से कीड़ा आ जाता है। अगर गेहूं का दाना 6 महीने में सड़ेगा तो आटा 20 दिन में सड़ता है। इसलिए पूरा यत्न भागवत का, भागवत रचयिताओं का और बड़े बड़े वक्ता ज्ञानियों का यही सोच है कि जितना हो सके इतना जीव जन्म मरण के बंधन से बचे। और संसार के दोनों पार्ट जो चला रही शक्ति है उस शक्ति से जुड़े। अगर हम उस परम शक्ति से जुड़ते हैं बहनों भाइयों, तो हमारा जीवन सदैव सुरक्षित रहता है। कितनी भी स्पीड में दौड़ रहा हो काल, पर काल हमें नहीं खाता, क्योंकि काल का भी जो बाप है, स्वामी है, वो महाकाल है। और महाकाल जिसे अपना ग्रास बनाता है उसे काल नहीं खाता है। अब हमें सोचना है कि हमें काल के मुंह में जाना है या महाकाल के मुंह में जाना है, और जो महाकाल के मुंह में जाता है उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आशे शदाधार पृथ्वी मदाम तेवाम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। वह परमात्मा रूपी गर्भ में चला जाता है, और जो परमात्मा रूपी गर्भ में चला गया वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो संसार के शरीरों के गर्भ में जाता है वो नरक में जाता है। मैंने भी नरक भोगा है, ये सब नरक भोगी हैं। आप तो हैं ही, पर ये बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो इंद्रदेव महाराज कर रहे हैं, यह भी नरक भोग कर ही आए हैं। पर नरक में जो सजा मिली उस सजा का मुझे आज तक ध्यान है, इसीलिए मैंने रास्ता गलत नहीं पकड़ा है, क्योंकि मुझे दोबारा सजा नहीं काटनी है। आप लोग नरक में से आके बार बार नरक में जाते हैं, फिर भी आप भूल जाते हैं और आप बार बार सजा काटते हैं। नरक के बगैर कोई नहीं रहा, क्योंकि जिन लोगों को अच्छे रोड पर चलने की आदत रहती है, थोड़ा बहुत कच्चे पर उन्हें भी चलना पड़ता है, क्योंकि धरती पक्की नहीं होती है, धरती तो कच्ची रहती है, उसे जगह जगह पक्का बनाया जाता है।
इसलिए संसार का कोई व्यक्ति नहीं ऐसा, चाहे कोई राजकुमार ही क्यों न हो, चाहे कोई पंडित का ही बेटा क्यों न हो, चाहे किसी ने ऋषि के घर में जन्म लिया हो, पर उससे पहले नरक का द्वार देखना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने तो यहां तक लिख दिया वेदांत में, नारी नरकस्व द्वारम। हम स्वीकार नहीं करते शब्द को, पर कभी कभी लगता है कि सही लिखा ऋषियों ने, इतने बड़े ज्ञानी थे तो सोच समझ के लिखा होगा। जो व्यक्ति नारी के पेट में चला गया या जो व्यक्ति नारी की संगति में चला गया, समझ लो वो अर्ध नरक में ही रहता है, आधा नरक ही है उसके साथ। क्योंकि स्त्रियों का धर्म ही ऐसा है, उनके आधे समय तो नरक में ही जाते हैं महीने के। पुरुषों को प्रसव नरक नहीं है, स्त्रियों को प्रसव नरक होता है। 27 नरक है भागवत में, उसमें से ये प्रसव नरक होता है, जिसमें देखना मना है स्त्री को, छूना मना है स्त्री को, स्त्री की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, नरक में है, दोषपूर्ण है। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं नारी नरकस्व द्वारम। और एक ऋषि लिखते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। सही किसको माने? एक ऋषि कहता है नारी की पूजा जिस घर में है वही देवता है, एक ऋषि कहते हैं कि नारी का जो साथ करेगा वो नरक में जाएगा। सही क्या है? दोनों ही सही हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इतना महान गद्दी पर बैठा हूं, फिर भी मैंने नरक का दर्शन किया है। समय कम समय भोगा, पर नरक का समय क्या भोगा है? जिसको हम सबसे ज्यादा पूजनीय कहते हैं जननी माता, वही हमें नरक का दरवाजा दिखाती है। अगर मां नहीं होती हमारी तो हम नरक में 9 महीने नहीं रहते, सवाल ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक शरीर के अंदर नरक कहां होता है मैं आपको बताना चाहता हूं आज। जितने भी जीव जल थल में बसे हैं उन सब जीवों के अंदर पेट में नरक होता है। ये पेट ही नरक है जो कभी नहीं भरता, इसकी तृप्ति कभी नहीं कर सकता कोई। याद रखो कितनी भी ठंडी चीज खा लो ये ठंडा नहीं होता, और कितनी भी गरम गरम चाय पी लो ये गरम नहीं होता, न जाने कैसे बनाया भगवान ने। मुंह जल जाएगा पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, पत्थर खा जाओ दांत टूट जाएंगे पर उधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोहे की खील खा जाओ, कई बच्चे सुई खा जाते हैं, सब झेल जाता है। और बड़ी बात कैसी है कि हड्डी कुछ नहीं है, वहां सब खोखला है, और आदमी खोखला, वाणी खोखली, बुद्धि खोखली, किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए पेट भी किसी काम का, ये पेट की खातिर आदमी जो है बीवी को छोड़ के कारगिल में पड़ा, पेट की वजह से रोज लोग बस में बैठे लखनऊ जाते नौकरी करने, लौट के फिर आते हैं फैजाबाद अयोध्या, इतना खराब है ये। तो अब बताइए क्या करेंगे भाई? नरक से बचने वाला कोई तो बताओ, आप में से कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई वेदांती, कोई दर्शनाचार्य, कोई वेदाचार्य, कोई आचार्य, कोई कहो कि हम नरक में नहीं है, और या ये कहो कि नरक से बचने का उपाय है। सवाल ही नहीं, बस इतना है कि जब कोई बहुत महान कार्य करता है तो वो अधिक समय तक सुख समृद्धि स्वर्ग में रहता है, नरक में थोड़े समय रहता है। और कोई द्वंद करता है, पाखंड करता है, तो नरक का समय अधिक बिताता है, स्वर्ग का समय कम रहता है।
जैसे हमारे बीच में बैठे हुए नर नारी कई सुखी हैं और कई दुखी हैं, घर एक ही है। एक ही घर में पांच लोग अलग अलग रहते हैं, ये सुखी, ये दुखी और एक ही घर है। माता दुखी है, पापा सुखी लग रहे हैं, पापा को प्रॉब्लम है, माँ सुखी लग रही है, पर दोनों ना तो सुखी है ना दोनों दुखी हैं। मम्मी पापा दोनों सुखी हैं तो बेटा बहुत टेंशन में चल रहा है। कुल मिलाकर के सुख दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां हैं शु माने अच्छा और ख माने इंद्री, जो हमारी इंद्री को अच्छा लग जाता है उसे सुख कहते हैं, और जो इंद्री को बुरा लग जाता है उसे दुख कहते हैं। वैसे दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है, सुख का और दुख का, क्योंकि आज तक इस दुनिया में पूरे जीवन कोई दुखी नहीं रहा और पूरे जीवन कोई सुखी भी नहीं रहा। अच्छा, किसी एक व्यक्ति का नाम लो जो कभी दुखी नहीं हुआ हो, हो ही नहीं सकता। जैसे भागवत के सात दिन रहते हैं ऐसे ही सुख दुख के भी सात दिन ही रहते हैं। आठवां दिन परेशानी का रहता है, परिवर्तन का रहता है, संसार है ये सुख दुख, क्योंकि ये दोनों चीजें आदमी के जीवन का अंग है, व्यवहार है। हम कितना भी अच्छा काम करें, यज्ञ करें, दान करें, सेवा करें, फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर यज्ञ करते करते आहुति गलत हो गई, उसका दंड भोगना पड़ेगा। मंत्र अशुद्ध हो गया, उसका दंड भोगना पड़ेगा। काम अच्छा करने निकले पर साथ में खराब भी काम हो रहा है, जो हमें नहीं समझता, हम जानते ही नहीं है ज्यादा। हाँ, स्वाहा 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 स्वाहा, ये बराबर है, पर स्वाहा का मतलब होता है खाइए 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 खाइए, पर कौन खाइए ये नहीं पता। हाँ, समझने की बात है। सुनिए, मैंने कल सिखाया था अग्निर देवाना मुखम, अरे अग्नि समस्त देवताओं का मुख है, इसीलिए हम सारे देवताओं का नाम नहीं ले सकते, हमें पता ही नहीं है, इसीलिए प्रमुख देवता का नाम लिया और उसके बाद कह दिया खाइए स्वाहा। कैसे? जैसे हजारों लोग धरती में बैठते हैं पंक्ति बना करके भोजन करने के लिए, भंडारा खाने के लिए, अरे भोजन परस दिया, पत्तल डाल दी और वो सकोरे डाल दिए, पानी दे दिया, दही खीर सब्जी दे दी, मालपुआ पूड़ियां परस दी, और मुखिया ने देखा कि चारों तरफ हो गया है तो वो एक ही आदमी कहता है बोलिए हरिहर, बोलिए खाइए खाइए शुरू कीजिए। अब वो किस किस का नाम लेगा कि लालचंद तू खा, लड्डू तू खा, लक्ष्मण तू खा, गुड्डी तू खा, कलावती तू खा, कैसे कहेंगे? इसीलिए परस दिया स्वाहा। समझ गए देवता? देवताओं को मालूम है कि ये सब हमारे लिए तैयारी हुई है और ये हमारे लिए हमारे मुख में डाला जा रहा है तो ये हमारा है। पर अच्छे काम को करते करते भी बहुत सारा परसेंटेज बुरा हो जाता है। करने आए कुछ और हो गया कुछ। बहुत जल्दी परिवर्तन होता है जिंदगी में। कई लोग शादी में जाते हैं सज के धज के और बेचारे बारात में भी नहीं पहुंचते, क्या करने गए थे बताओ? सुनिए,
घर से शादी में गए थे भोजन करने, पैकेट देने, मिलने, और शादी में जाके ऐसा माहौल बन गया कि वहां मारपीट करनी पड़ी, झगड़ा करना पड़ा। समय का क्या भरोसा, क्या परिवर्तन लाएगा, अलग ही माहौल बन गया वहां। इसीलिए हमारे तुम्हारे हाथ में समय नहीं। आज मेरे प्रभु भगवान द्वारकाधीश आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं, कहीं कोई मेरा सखा बधु भक्त ऐसा तो नहीं रह गया जिससे कर्म का फल न मिला हो। सारी सृष्टि का कल्याण करने आए थे भगवान कृष्ण, आज वही उद्धार करने की लीला करते हैं महाराज। इसलिए जीवन में कभी भी एक चीज का ध्यान रखो, हम जो करने आते हैं वो होगा, ऐसा विश्वास रखो ईश्वर पर, ईश्वर के हाथों पर, ईश्वर की कर्मवृत्ति पर अपना ध्यान बनाए रखो। कमे है जाने कौन सी करवट बैठेगा, इसलिए जीवन में एक भजन हर रोज गाना और उसका चिंतन भी रोज करना। कौन सा चिंतन, कौन सा भजन है, रोज सुनते रहते हैं आप लोग। किसे पता है कौन जगे, हाँ किसे पता है और कौन जगे है, आने वाली कल में और ये जीवन बीत गया पल पल। कोई उनका पता बताए,